पराठे वाली गली, काकोरी कबाब और बहुत अलग अलग तरह की चाट और साथ ही काफी मीठी चीजें, ये सभी कुछ बहुत फेमस है क्योंकि ये सभी कुछ है पुरानी दिल्ली से, जिसकी वजह से दिल्ली 6 या पुरानी दिल्ली या चांदनी चौक बहुत ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। तो चलिए इसी पुरानी दिल्ली या दिल्ली 6 की कुछ रेसिपी सीखते हैं, जिसके लिए हमारे साथ है क्राउन प्लाजा टुडे ओखला के एग्जीक्यूटिव शेफ, शेफ रमित सर। हेलो शेफ, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। शेफ, क्या क्या चीजें हैं जो आप हमें सिखा रहे हैं पुरानी दिल्ली से, एंड व्हाई पर्टिकुलरली पुरानी दिल्ली? मोनिका, क्या है कि पुरानी दिल्ली के खाने जो हैं बहुत ही लजीज होते हैं, पर आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में बहुत मुश्किल होता है अलग अलग कोनों पे पुरानी दिल्ली के घुस के जाना। ट्रैफिक प्रॉब्लम, रिक्शा, मेट्रो क्या लेके जाएंगे, तो हमने क्राउन प्लाजा में ये सोचा कि इन सब बढ़िया खानों को हम अपने किचन में इकट्ठा ले आए। और हमारे एडिसिया रेस्टोरेंट में हमने फेस्टिवल करा है दिल्ली 6, जिसमें हम ये सारे व्यंजन लेके आए हैं। इनमें हम तीन चीज़ें आज बनाएंगे, काकोरी कबाब, दाल का चीला और सुनहरी पपीते का हलवा। ऑलराइट, ये काफ़ी बढ़िया रेसिपीज़ हैं जिनका नाम शेफ ने लिया है, और इन रेसिपीज़ को बनाना सीखते हैं। हम शुरुआत करेंगे काकोरी कबाब से। बिल्कुल, तो चलिए काकोरी कबाब बनाने से पहले नोट कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। काकोरी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम मटन कीमा, आधा छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, 2 लौंग, 2 साबुत काली मिर्च, आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 मोटी इलायची, 1 जावित्री, 1/4 छोटी चम्मच कसा जायफल, 1/4 कप भुने चने का पाउडर, 1 बड़ी चम्मच कसा कच्चा पपीता, 1 कप तले प्याज का पेस्ट, 1 बड़ी चम्मच घी और नमक स्वाद के अनुसार। काकोरी कबाब के लिए हमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट है मटन। इस मटन बोटी का हम कीमा करेंगे और इसी के कबाब बनेंगे। अच्छा। अब इस कबाब की खास चीज है इसकी मुलायमियत, और मुंह में जाते ही घुल जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसमें कुछ खास मसाले और कच्चा पपीता जाता है टेंडर करने के लिए, इसको नरम करने के लिए। और मैं एक एक करके आपको चीज बताता हूँ जो जा रही है। मटन बोटी, ओके, कीमे के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, ओके, लाल मिर्च। इस कबाब में मसालों का असर आएगा, और लाइट रखने हैं मसाले। और इसमें मैंने कुछ मसाले पीस के रखे हुए हैं, जिसमें लौंग का, इलायची, बड़ी इलायची, और साथ में हम कुछ सिनेमन पाउडर भी डालेंगे इसमें, दालचीनी, ओके, इसके अलावा जावित्री पाउडर और नटमेग, स्वाद के अनुसार नमक, काली मिर्च, ओके, कुटी हुई, और इसमें एक खास इंग्रेडिएंट जाता है ब्राउन ऑनियन पेस्ट। प्याज को फ्राई करके ब्राउन करते हैं और इनको पीस लिया जाता है, और इसका बहुत ही सुहावना टेस्ट आपको कबाब में मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया था, कच्चे पपीते का पेस्ट, व्हिच इज गोना टेंडराइज द कंप्लीट थिंग, द मटन स्पेशली। यस, सो ये कबाब का जो मसाला है, इसे हम मिला के अब इसे कम से कम 7 से 8 बार इसे मिक्सर में से निकालेंगे, कीमा करेंगे। अच्छा, इसको मिक्स करेंगे हम घर पे, जैसे है तो नॉर्मल मिक्सी में इसको कीमा कर सकते हैं? थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक महीन कीमा चाहिए। तो और ये कर सकते हैं कि कीमा जो है मार्केट से ले आए और ये सारी चीजें उसमें मिला दें और फिर मिक्सी में ब्लेंड कर लें। ख्याल रहे कि जो कीमा है कम से कम 6 से 7 बार उसे चर्न कराना है, ताकि उसके रेशे पूरे फूट जाएंगे और बहुत महीन स्मूथ पेस्ट हो जाएगा। सो इसको कीमे को हम करवा के आते हैं, और इसमें मसाले वगैरह सब मिल चुके हैं जी। सो हम ये जो है ये कीमा कर चुके हैं सारी चीजों, और इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे रोस्टेड चना पाउडर, भुने चने का पाउडर, अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि ये टूटे नहीं और अच्छी पकड़ आ जाएगी इसमें जी। अब इसके बाद जरूरी है कि इस मिक्सर को हम कम से कम एक घंटे के आसपास फ्रिज में रखें ताकि ये फिर पकड़ ले, वरना सीख में लगते साथ ये गिरने का खतरा रहेगा। इसके लिए हमें थोड़ा पानी का हाथ लगातार मारना पड़ता है कबाब पे, ताकि इसको हम शेप दे सकें स्कीवर पे चलाते हुए। हमारा स्कीवर तैयार है जी। काकोरी कबाब को हमें सेकना है एक खास सिकड़ी पे, जो एक
कोयले की सिकड़ी है ताकि वो जो स्मोक का फ्लेवर है वो आप एंजॉय कर सको। पर अगर किसी के पास घर में ये नहीं हो सिकड़ी तो इसको टिक्की की शेप देके तवे पे पकाया जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा कबाब काफी हद तक तैयार हो चुका है जी। तो इसमें हल्का सा हम घी का ब्रश देंगे ताकि इसमें एक ग्लेज आ जाए, एक शाइन आ जाए, एक शाइन आ जाए और एक क्रस्ट आ जाएगी। ओके, बिकॉज़ ब्राउन जल्दी हो जाएगा, ब्राउन भी होगा और ऊपर से पपड़ी आ जाएगी। ओके, बहुत मामूली सी, क्योंकि हम चाहेंगे कि कबाब सॉफ्ट ही रहे। सो एक मिनट के आसपास इसे और कोयले के ऊपर रखते हुए पकाएंगे। नाउ हमारा कबाब हो चुका है। बस इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना, ज्यादा ब्राउन नहीं करना, हम नहीं चाहते कि हमारा कबाब सूख जाए। ओके, सॉफ्टनेस पर फर्क पड़ जाएगा, जो मॉइस्चर है वो सूख जाएगा अगर हम इसे ओवर कुक कर देंगे। सो वी हैव अ प्लेटर रेडी हियर जिसमें लच्छा ऑनियन और चटनी और नींबू। ओके, मैं तो ये कबाब्स ओके, जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल जस्ट व्हाइल रिमूविंग दीस कबाब्स, काफी गर्म है। उसको हल्का सा हाथ से ही बड़े आराम से निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत नरम कबाब है। बहुत डेंजरस शेफ, इतना गर्म होगा सीख की शेफ हैं उनको तो आदत होगी। ऑलराइट, सो दीस कबाब्स आर रेडी। काफी गरम गरम खाइएगा तो इसका और स्वाद आएगा मोनिका। यस श्योर, अमेजिंग सॉफ्ट कबाब मुँह में घुल गए हैं जैसा कि शेफ ने बताया था। तो आप भी एक टिपिकल पुराने दिल्ली के काकोरी कबाब ट्राई कीजिए। अगर स्क्रीन नहीं है तो तवे पर भी आप इसे बना सकते हैं। देखिए इसमें कितनी कैलोरीज हैं, साथ ही इसका चटपट सा रिकैप नोट कीजिए। काकोरी कबाब बनाने के लिए मटन कीमे में प्याज का पेस्ट, कसा पपीता, अदरक लहसुन का पेस्ट, सभी साबुत और पिसे मसाले डालकर 2 से 3 घंटे मैरिनेट करें। मैरिनेटेड कीमे को पीस लें, इसमें भुने चने का पाउडर मिलाकर 30 मिनट के लिए सेट होने रख दें। सेट हुए मिक्सचर को कबाब की शेप में सीख पर लगाकर सिगड़ी पर पकाएं। कबाब के भूरे होने पर इसके ऊपर घी लगाएं और 2 मिनट तक और पकाएं। तैयार कबाब को प्याज और चटनी के साथ परोसें।